लगता है इसके मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संदीप एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल संदीप द ब्लॉगर। तो फिलहाल अभी बजे हैं 9:30 और दिन आज काफ़ी क्लाउडी है। तो आज का मौसम मोटो ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी बेहतर है। ऐसा मौसम मोटो ब्लॉगिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए चलते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। फिलहाल अभी मैं अपने घर पर गाँव पर हूँ, तो चलिए सीधे मिलते हैं रोड पर। जैसे ही मैं घर से निकला और बारिश ने मेरा खूब स्वागत किया, जिसकी वजह से 1.5 से 2 घंटे का डिले हो गया और जो हमने प्लान बनाया था वो उसे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत काफ़ी मौसम में काफ़ी ठंड आ चुकी थी और प्रॉपर जैकेट स्वेटर ना होने की वजह से मेरे दोस्तों का इस वजह से वो जाना कैंसिल कर दिया। वैसे हम लोग प्लानिंग बनाए थे दसम फॉल के लिए, तो लेकिन जा नहीं पाए। फिर भी सोचा कि अगर घर से हम लोग निकल ही चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो चलो तब बुंडू में ही कुछ ब्लॉग बनाते हैं। तो फिर हमने बुंडू में का ही ब्लॉग बनाया, तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो फिलहाल हम लोग NH 33 पहुँच चुके हैं। ये रहा वो ओवरब्रिज जिससे NH 33 क्रॉस करती है। पहले ये नीचे से थी, जिसके वजह से ट्रैफिक बहुत लग जाता था, नीचे में जाम बहुत हो जाता था। अभी सरकार ने जो हाईवे अभी जो न्यू बना है उसमें ये जो NH 33 है ये इसमें देख सकते हैं पासिंग बन चुका है। और यहीं पर खड़ा रहूँगा बोला था मेरे दोस्त ने, देखते हैं कहाँ पे खड़ा है। और उसकी बाइक हमें दिख चुकी है और ये हमारा दोस्त अभी यहाँ पे है, आ चुका है। बिरसा मुंडा द्वारा नगर पंचायत बुंडू, नहीं बिरसा मुंडा द्वार, और सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, बिरसा मुंडा द्वार है ये। और ये हाँ है, अगर आप बुंडू के हैं तो बेशक आप घूमेंगे बुंडू। ये रहा सबसे पुराना मेडिकल, आनंद मेडिकल सबसे पुराना मेडिकल है। और ये दो रोड है, एक है रॉकी हॉल रोड जिधर जाता है रॉकी हॉल, और ये है सीधा थाना रोड, और ये है देवी मंडप। यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े की दुकान है रेडीमेड, और यहाँ पे एक दो बुक स्टोर भी हैं। और ये है आपका सुभाष चौक, ये रोड सीधा NH 30 को जाएगी, ब्लॉक रोड इसे बोलते हैं। आगे में ब्लॉक है बुंडू ब्लॉक, और ये रोड सीधा जाएगी काली मंदिर और SS हाई स्कूल, और एक हॉल है इधर भी सिनेमा हॉल दत्ताश्री। यहाँ पे मैं बता दूँ बुंडू में दो हॉल हैं सिनेमा हॉल, एक है रॉकी, ये ला जाएगा रास्ता रॉकी हॉल के लिए, और ये अभी सीधे अगर जाएंगे तो मिलेगा दत्ता श्री। ये भी है काफ़ी फेमस बुंडू का जय श्री वस्त्रालय, बहुत पुराना वस्त्रालय है। अभी हम लोग को यहाँ से लेना होगा राइट, ये है काली मंदिर, और राइट साइड में अभी एक रास्ता दिखेगा ये वाला, जो यही वो रास्ता है जिसमें जो कहते हैं सबसे पुराना बाज़ार, जो बुंडू का जो सबसे पुराना मार्केट है उसी साइड में है। अभी नहीं है, पहले था जब बुंडू भी एक छोटा था, एक गांव ही समझिए। अभी तो काफ़ी बड़ा तो नहीं लेकिन बड़ा ही हो चुका है बुंडू, एक टाउन के बराबर, छोटे टाउन के बराबर। और ये है हमारे प्यारे बजरंगबली, देख सकते हैं काफ़ी बड़े हैं। और Thank you.
अभी ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये झाड़ी नुमा, तो मैं बता दूं ये पूरा का पूरा एक तालाब है। ये है बुंडू तालाब, काफ़ी बड़ा तालाब है लेकिन जल कुंभियों से ये पूरा भर चुका है, आपको पानी कहीं दिखेगा ही नहीं। देखिए कहीं पानी नहीं दिख रहा है। तो बुंडू घूमने के बाद हमें लग गई भूख और हम सीधे पहुंच गए डोसा खाने के लिए। और दादाजी हमारे डोसा बनाते हुए, और डोसे को बहुत गौर से देखते हुए लगता है इसके मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डोसा खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, तो आज का ब्लॉग रहेगा यहीं तक। ब्लॉग अच्छा रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला ब्लॉग पर।